प्रिय श्री जगदीश जी जिनको बेंगलोर जाना है, सम्मानीय हमारे साथी सुभाष जी गर्ग साहब मिनिस्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन आयुर्वेद, प्रोफेसर राजीव जी जैन साहब वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम और उपस्थित इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में आए हुए सभी सम्मानीय वाइस चांसलर साहब, एजुकेशनिस्ट भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, मेरे से पूर्व सुभाष जी ने काफ़ी बातें आपको बताई। देखिए, हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। किसी भी विद्यार्थी को ये पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, तो खड़े होकर, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ रहा हो, चाहे मिडिल में, चाहे सेकेंडरी में, सीनियर हायर सेकेंडरी में, वो सबसे पहले ये कहेगा मैं अध्यापक बनूंगा, क्योंकि अध्यापक से प्रभावित होता है वो। कई विद्यार्थी अपने डॉक्टरों से प्रभावित होते हैं, तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। कई विद्यार्थी हैं वो ये कहते हैं कि बड़े होकर मिलिट्री में मेजर या कर्नल बनेंगे। कई कहते हैं हम IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे। कई स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कहते हैं कि हम बड़े होकर विराट कोहली बनेंगे, अजरुद्दीन बनेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है, और बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है। बिना तालीम, बिना शिक्षा के व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए जमाना शिक्षा का है, तालीम का है। और शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, व्यक्ति को संस्कारवान बनाती है, और व्यक्ति को जीवन में हर तरह की चीज़ें सिखाती है। उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयेन शोभते। विद्या व्यक्ति को विनयशील बनाती है, और विनयशील व्यक्ति को विद्या शोभा देती है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि जैसे मारवाड़ी में कहावत है, पूतरा पैर पालने में पहचानी जी। बचपन से ही विद्यार्थी में क्या प्रतिभा है, हर बच्चा जो है वो आंसू वैज्ञानिक, आंसू कहानीकार, आंसू कवि, आंसू गणितज्ञ, आंसू वैज्ञानिक बचपन में नैसर्गिक क्षमताओं के साथ आता है। और उसके बाद योग्य गुरुजन उसको जैसा तराशते हैं, जैसे एक जौहरी रफ हीरे को हीरा बना देता है, वैसे ही हमारे योग्य शिक्षक उसको, किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को इंजीनियर बना देते हैं, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं, किसी को, ये सब विद्या के माध्यम से ही संभव है। मैं आज इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमारे सभी शिक्षाविदों से खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारा पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं जिसमें इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हो। और ये जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब में कभी कोई इंटरव्यू हो और उसमें हमारे यहाँ का विद्यार्थी उसमें उस कॉम्पिटिशन में भाग ले और उसमें टॉप करे, तो लगेगा कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा पाठ्यक्रम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आज बहुत सी यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम हमारे UPSC से मिलते जुलते हैं, और UPSC के पाठ्यक्रम से मिलते जुलते जो कार्यक्रम है उसके कारण IAS का जब एग्जामिनेशन होता है तो बहुत से विद्यार्थी उसमें अपना स्थान बना पाते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो उसमें वंचित रह जाते हैं वो राजस्थान स्टेट सर्विसेज में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। जब वो पढ़ेगा उसी में से इम्तहान होगा तो निश्चित रूप से वो पास होगा। अब जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात थी, कन्वीनर महोदया ने बताया 5+3+3+4, ये सिस्टम हमारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल का तय किया है। 2 साल हो गए शिक्षा नीति बन गई, लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है। मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ। अभी मैं त्रिवेंद्रम में
शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करके आया हूँ। वहाँ पर इवन बीजेपी से समर्थित लोगों ने भी अंदर खाना हमको ये कहा कि दो साल हो गया, नीति तो बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। दूसरी बात, जो सिलेबस को बदला गया है, महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम हटा देना, महिमा मंडन उसका करना अलग तरीके से, हिडन एजेंडा जो है वो इस शिक्षा नीति का बहुत बड़ा विकृत स्वरूप है। इस हिडन एजेंडा को छोड़ दें तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति की मैं तारीफ करूंगा, लेकिन हिडन एजेंडा में जिस तरीके से इन्होंने इसका एक तरीके से राजनीतिकरण किया है वो ठीक नहीं है। फिर अभी सुभाष जी ठीक कह रहे थे कि 86 में जो शिक्षा नीति राजीव जी के वक्त में लागू हुई, सारे देश के बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया गया, उनकी राय को उसमें माना गया, उसका बहुत स्पष्ट मंतव्य था कि हम विद्यार्थियों को 10+2 सीनियर हायर सेकेंडरी तक सभी को पढ़ाएं, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहें, मेडिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में, अथवा और जो सोशल साइंसेज हैं उनमें पीएचडी या रिसर्च करना जाए वो उनमें जाए, नहीं तो कम से कम हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन ऐसी तैयार हो जो लिटरेट हो, हम अच्छे फिटर तैयार करें, अच्छे इलेक्ट्रीशियन, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार तैयार करें, और हम कार्यशील जनसंख्या को शिक्षित बनाएं, लिटरेट बनाएं, और देश की जो एक तरीके से कहना चाहिए ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएं, और जो रिसर्च में जाना चाहें, हायर एजुकेशन में जाना चाहें, उनके लिए एक रास्ता दिया था। इस एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी एजुकेशन को सम्मिलित किया गया है। पहले हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो LKG, UKG, प्रेप, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्व ये चलाती थी, उस सिस्टम को अडॉप्ट किया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने। अब आप जानते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्लासरूम कैसे होने चाहिए, प्ले स्कूल होना चाहिए, उसके फर्नीचर अलग होंगे, उसके इक्विपमेंट्स अलग होंगे, उसका कहीं सारी जगह अभाव है। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने अभी 1000 प्री प्राइमरी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में खोल दी है, लेकिन जब तक केंद्रीय सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं करेगी कब तक चलेगी, और अन्य राज्यों में अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं है। हमारे राज्य में तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बना दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, ब्लॉक लेवल पर हमने उपाय कर दिए, और उसके लिए आपने देखा होगा कि करीब करीब 2700 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए, 2000 और खोलने जा रहे हैं, करीब करीब 5000 स्कूल इस वित्तीय वर्ष में खुल जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए चाहिए वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है सरकारी स्कूलों में, इसलिए जब तक हम 5+3+3+4 इस सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्री प्राइमरी एजुकेशन में नहीं करेंगे, ये केवल मात्र सपना होगा कि हम इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर पाएंगे। देखिए जैसे मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान मजबूत होता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में पॉलिसी बना दी, साधन दिए नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया तो जॉयफुल एजुकेशन का नाम तो रहेगा लेकिन बच्चा स्कूल जाने में आनंद की अनुभूति महसूस नहीं करेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय सरकार को तत्काल 2 वर्ष हो गए, अब अपने बजट को प्रोवाइड करना चाहिए तमाम राज्यों के लिए, और उसमें राज्य का हिस्सा वो तय करेंगे तो हम PAB सिस्टम के अंतर्गत उसको सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी बनाए तो उसको मनोयोग से
लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें पॉलिसी बना दी लेकिन अभी भी इच्छा शक्ति का अभाव लग रहा है। इसलिए इच्छा शक्ति जब होगी तब जाकर के पॉलिसी लागू होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं उनकी तो इच्छा शक्ति है कि बिना केंद्र के साधन प्रोवाइड किए हुए हमने 1000 प्री प्राइमरी स्कूल खोल दिए और उसकी किताबें भी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर किसी चैप्टर में महात्मा गांधी का चैप्टर उड़ा देना, किसी चैप्टर से इंदिरा गांधी का चैप्टर उड़ा देना, किसी चैप्टर में नेहरू जी को उड़ा देना, ये अच्छी बात नहीं है। हिस्ट्री के साथ कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने देना चाहिए, तभी जाकर के देश जो है एक रहेगा, नेक रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी आपने देखा होगा एक बच्चे को दिखाया, उस बच्चे ने एक हिंदू मंदिर से पीला दुपट्टा लिया, मुस्लिम मस्जिद से एक हरा दुपट्टा लिया और सफ़ेद जो है वो वहाँ एक दूसरे धार्मिक स्थान से लिया और तिरंगा बना के खड़ा हो गया। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इल्तजा ये है वतन की जान इशारों से उठो, ख्वाब गाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूँ सारों से उठो, मंदिरों से मस्जिदों से गुरुद्वारों से उठो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारी पूजा आस्था के प्रतीक हैं, हम इन सबको सजदा करते हैं, सबको नमन करते हैं, सबका वंदन करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्र का सवाल आता है वहाँ अनेकता में एकता का दिग्दर्शन करना होगा। यदि हम अनेकता में एकता का दिग्दर्शन नहीं करते तो आज गुलाम रहते। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन हमें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हमारे देश पर काबिज हो गई। और उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महामना आए, उन्होंने देश में अनेकता में एकता का सूत्रपात किया और उसी के कारण आज हमारा देश आज़ाद है। हमको अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे पाठ पढ़ाने चाहिए जिससे लोगों में सर्वधर्म संभव आए, जिससे विद्यार्थियों में ये लगे।